हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप फिजिक्स नोहर में सभी का अभिनंदन करता हूँ। कल तक स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कि आवेश घनत्व क्या होता है। तीन तरीके के आवेश घनत्व हमने पढ़े, एक लैम्डा था जिसे हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, एक सिग्मा था जिसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और एक रो था जिसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं कि हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं, लैम्डा सिग्मा रो का यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है बेटा कि एक वलय है, वलय जानते हो सभी, है ना, जितनी भी बैंगल्स होती है, चूड़ियां, कड़े होते हैं, वो अंगूठी होती है, वो सभी क्या होते हैं, वलय। तो एक जैसी ये वलय है अपने पास, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वलय पर आवेश है, इस वलय पर आवेश है, एक समान रूप से इस पर आवेश वितरित है, और इसका जो कुल आवेश है वो स्मॉल क्यू है। टोटल जो आवेश है इसका वो कितना है, स्मॉल क्यू है। इस वलय को मैंने कैसे रखा है, समझ पा रहे हो क्या? वलय तो हालांकि गोल होती है, पर ये हमें चपटी क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वलय को मैंने ऐसे नहीं रखा, इस वलय को मैंने ऐसे रखा, मतलब इस बोर्ड के तल के लंबवत रखा है। ये जो लाइन है बेटा, इसको हम कहते हैं वलय की अक्ष, समझ गए। इस वलय की अक्ष पर एक पॉइंट है P, जो वलय के केंद्र से x दूरी पर है, वलय का केंद्र O है, समझ गए। एक आवेशित वलय है जिस पर Q आवेश है, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। वलय की अक्ष पर केंद्र से एक्स दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, समझ गए मेरी बात। अब ये आवेश बिंदु नहीं है बेटा, फैला हुआ है, सतत आवेश वितरण है, परंतु हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा आवेश वितरण है, रेखिक है या पृष्ठीय है या फिर आयतन आवेश वितरण है, कैसा होगा बता सकते हो क्या? शाबाश, ये होगा रेखिक आवेश वितरण। मान लिया इसका जो रेखिक आवेश घनत्व है वो लैम्डा है। अब अपने पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम अचानक ही तुरंत ही इस पूरे के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकें, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो हम वही अपना, अगर बहुत लंबा आवेश फैला हुआ है और उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, एक छोटा सा अल्पांश लेना चाहिए। तो ये मैंने यहां पर अल्पांश लिया है, इस अल्पांश का नाम है डीएल। अल्पांश की जो लंबाई है वो कितनी है, देखिए इसका रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, तो डीएल लंबाई पर आवेश कितना होगा, शाबाश, इस अल्पांश पर जो आवेश है वो हो गया लैम्डा डीएल। इस अल्पांश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, ये पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर, दूर की ओर, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो ये हो गई, समझ गए। ये आवेश कितना है, समझ गए ना बेटा, ये लैम्डा डीएल आवेश है, क्योंकि इसका रेखिक आवेश घनत्व हमने कितना लिया है, लैम्डा। एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, देन डीएल लंबाई पर आवेश, और इस विद्युत क्षेत्र का मैंने नाम दे दिया E1, ये एक सदिश राशि है, समझ गए। अब जैसे ये वलय थी बेटा, ये वलय थी ऐसे रखी है, यहां पर एक डीएल लिया है मैंने और उसके कारण ऐसे विद्युत क्षेत्र मैंने ज्ञात किया है। अब मैं इसके नीचे की तरफ एक और अल्पांश लेता हूं, यहां पर भी मैंने एक डीएल अल्पांश ले लिया, तो इस पर भी आवेश कितना होगा बता दो, इस डीएल पर भी स्टूडेंट्स कितना आवेश होगा, लैम्डा डीएल, और इसके कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, वही इससे दूर की तरफ, ये लीजिए, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तरफ, यानी E2 नाम दे दिया हमने, समझ गए मेरी बात। देखो एक चीज बताओ स्टूडेंट, जैसे हमने एक बात की थी कि एक वलय ली है जो हमने बोर्ड के तल के लंबवत रखी है, ये वलय,
है ना, और ये वलय की कौन थी, अक्ष। ऐसे मैंने विद्युत क्षेत्र दर्शाया, इसका विद्युत क्षेत्र ऐसे दर्शाया, तो इस कोण में और इस कोण में कोई सिमिलरिटी, कोई आपस में संबंध होगा क्या, अनुमान लगा सकते हो क्या? देखो फिर से देखना, ये अक्ष है ना, ऐसे हो गई, यहां कोण बना, ऐसे कोण बना, तो कोण दोनों फिर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये अगर थीटा मानते हम तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब इन दो अल्पांशों के कारण हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है, E1 और E2। तो E1 का अगर मैं परिमाण लिखना चाहूं, मॉड्यूलस E1 है ना, विद्युत क्षेत्र, देखो ये छोटा सा अल्पांश है इसलिए ये एक बिंदु आवेश, समझ गए ना। देखो क्यू आवेश से आर दूरी पर यहां विद्युत क्षेत्र कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आवेश लैम्डा डीएल, इससे ये दूरी मैंने मान ली आर, तो ये दूरी भी आर। बता सकते हो क्या इसके कारण, या इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? पहले हम इसके कारण E1 विद्युत क्षेत्र का परिमाण लिख रहे हैं, इस सूत्र के अनुसार कितना होगा, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, समझ गए ना। क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आवेश कितना, लैम्डा डीएल, ये दूरी कितनी, तो के क्यू की जगह लैम्डा डीएल और अपॉन आर स्क्वायर। ये भी डीएल है, इस पर भी आवेश लैम्डा डीएल है, दूरी आर है, तो ई टू का परिमाण कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, के लैम्डा डीएल अपॉन, इसका मीनिंग ये हुआ कि E1 और E2 परिमाण में बराबर है। क्लियर है सभी को? अब E1 और E2 परिमाण में बराबर है, परंतु ये दोनों सदिश हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इनको हम जोड़े कैसे, ये जुड़ नहीं सकते, तो इनका परिणामी निकालना है। इसके लिए हम इनको घटकों में वियोजित करते हैं, समझ गए ना। E1 और E2 को क्या करते हैं, हम याद है ना वो चीज बेटा, जैसे ये एक सदिश A है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो इस A सदिश का इधर घटक क्या होगा, A cos थीटा, और इधर घटक क्या होगा, A sin थीटा। तो E1 सदिश और E2 सदिश को घटकों में वियोजित करना है, पहले ये एंगल थीटा, तो ये बोलो थीटा, वर्टिकल अपोजिट है, सिरसा भी मुख है और ये भी थीटा। मैंने वल्ले की अक्ष के लंबवत पी पर एक रेखा खींच दी, ठीक है। E1 का ये घटक E1 cos थीटा, शाबाश, और ये घटक E1 sin थीटा, E2 का ये घटक E2 cos थीटा, और ये घटक E2 sin। समझ में आया या नहीं आया? देखो E1 और E2 परिमाण में कैसे हैं, बराबर है, देखना यहां, E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा, E1 E2 बराबर है, दोनों के साथ साइन है, परिमाण सेम है दोनों का, दिशा दोनों की अपोजिट है, एक नीचे है E1 sin थीटा, एक ऊपर है E2 sin थीटा, एक दूसरे को ये दोनों निरस्त कर देंगे, मतलब जितने भी साइन थीटा वाले घटक होंगे वो सारे निरस्त हो जाएंगे, दो दो आपस में मिलकर। अब मुझे ये बताओ, केवल एक के कारण, केवल एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना बचा, केवल एक के कारण, ये तो निरस्त हो ही चुका है, अब जो बचा है वो ये है, ये तो इसके कारण बचा और ये वाला इसके कारण बचा, तो एक के कारण कितना बचा, E1 cos थीटा, दो के कारण E1 cos थीटा प्लस, समझ गए। तो एक के कारण जो है, किसी एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र, नाम दिया DE, और किसके बराबर है, E1 cos थीटा। E2 cos थीटा भी ले लो, क्योंकि E1 और E2 तो परिमाण में कैसे हैं, बराबर है, तो DE बराबर E1 का मान रख रहा हूं बेटा मैं, E1 का मान कितना है, के लैम्डा डीएल
अपॉन आर स्क्वायर और कोस थीटा। ये किसके कारण विद्युत क्षेत्र आ चुका है बताओ, किसी एक अल्पांश के कारण। हमें चाहिए इस पूरी वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, तो क्या करना चाहिए हमें, समाकलन, बस ठीक है ना। तो संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, इंटीग्रेशन डीई बराबर इंटीग्रेशन के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर और कोस थीटा, समझ गए ना। कॉन्स्टेंट तो के है, एक तो एक लैम्डा है ठीक है, पर यहां हम आर और कोस थीटा, स्मॉल आर और कोस थीटा, इनको हटाएंगे क्योंकि हमें कभी ये दूरी नहीं दी जाएगी। अगर इस पर आधारित कोई न्यूमेरिकल आता है तो स्मॉल आर नहीं दिया जाएगा, हमें यह कहा जाएगा कि वलय के केंद्र से दूरी इतनी है, वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो स्मॉल आर को हटाना है और कोस थीटा को हटाना है। देखिए ये एक कैसा ट्रायंगल है, कैसा त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज है। ये 90 है, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये एक्स, तीनों में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं बोलो, त्रिभुज का नाम इसको जैसे मैंने दे दिया क्यू पॉइंट दिया, तो त्रिभुज पीओ क्यू से स्मॉल आर स्केयर यानी कर्ण स्केयर बराबर एक्स स्केयर प्लस आर स्केयर, ये चीज आ गई, इसको नाम दिया समीकरण दो। और इसी त्रिभुज से कोस थीटा निकाल लो बेटा, इसी त्रिभुज से कोस थीटा यानी आधार बटा कर्ण, थीटा ये है बेटा, तो ये कौन होगा, थीटा के सामने लंब, ये कौन होगा आधार, तो एक्स बटा कौन आर, या फिर एक्स बटा इसको लिख सकते हैं आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की घात एक बटा, समझ गए ना, क्योंकि आर स्केयर जब इतना है तो आर इसका रूट यानी घात कितनी होगी, एक बटा दो। ये जो दो और तीन से हमने आर स्केयर और कोस थीटा के मान निकाले हैं, इनको पुट करेंगे कहां पर, समीकरण एक में, समझ गए। तो समीकरण एक में पुट करने पर DE का इंटीग्रेशन बोल दीजिए जल्दी से, इसका E ये लीजिए, ये टोटल विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र है इस वलय के कारण, कहां पर, P पर, कितना होगा बेटा देखो, इंटीग्रेशन के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्केयर की वैल्यू आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और कोस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की घात एक बटा, समझ गए। अब इसको देखना बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने क्या किया, के को बाहर किया इंटीग्रेशन से, लैम्डा को भी बाहर किया इंटीग्रेशन से, एक्स को भी बाहर किया इंटीग्रेशन से, ये दोनों बेस सेम है बेटा, तो घातें जुड़ जाएगी, इसकी घात एक है, इसकी घात आधी है, तो आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की घात और इंटीग्रेशन, बोलिए समझ में आया नहीं। इंटीग्रेशन डीएल का मीनिंग क्या है, कि जितने भी छोटे छोटे अल्पांश हैं उन सब का, अल्पांश कहां पर है, वलय की परिधि पर है, तो ये सारे अल्पांश जुड़ जाएंगे तो इस वलय की परिधि बन जाएगी, वलय की त्रिज्या आर है तो परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर, यानी इंटीग्रेशन डीएल का अर्थ क्या होगा, 2 पाई आर मान रख देते हम, तो अपने पास क्या आएगा, ई बराबर ये हो गया के लैम्डा एक्स अपॉन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की घात 3/2 और गुणा में 2 पाई कैपिटल, समझ गया बेटा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, के का मान रख रहा हूं बेटा, निर्वात लेकर चल रहे हैं बेटा हम, क्या मान कर चल रहे हैं हम, निर्वात या वायु, तो के की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां कौन बचा हुआ है, नीचे कौन है, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर घात और गुणा में कौन है, कौन कैंसिल हो सकता है बताइए, पाई से 2
टू पाई और फोर पाई, नीचे कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना, ये हो गया लैम्डा एक्स आर अपॉन टू एप्साइलन नोट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की घात। कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। अब मुझे ये बताओ कि लैम्डा क्या होता है। लैम्डा यानी एकांक लंबाई पर आवेश, है ना। तो लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, इस पर टोटल आवेश कितना है, टोटल आवेश क्यू, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, टू पाई आर। तो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर आवेश बटा टू पाई आर। ये मान रख दीजिए अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा E बराबर Q अपॉन टू पाई आर इंटू एक्स आर अपॉन एप्साइलन नोट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की घात। ठीक है, समझ गया बेटा इस चीज को। कितना हो गया बताइए, ये कुछ कटा क्या यहां पर, R से R कटा। तो वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना आया देखिए, क्यू एक्स अपॉन फोर पाई एप्साइलन नोट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की घात। ऐसा लिख सकते हो, इसके अलावा ये भी लिख सकते हो कि के क्यू एक्स अपॉन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की घात। ये लीजिए, किसी वलय की अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है, केंद्र से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, इतना विद्युत क्षेत्र होगा। क्यू कौन है बोलिए, क्यू इस वलय को दिया गया आवेश है। एक्स केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र, और कैपिटल आर कौन है, वलय की त्रिज्या। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब एक और प्रश्न करते हैं बेटा, देखिए अपने पास एक वलय है बेटा, ठीक है, एक वलय है और एक गोला है। जैसे ये वलय बनाई मैंने, इस बोर्ड के तल के कैसे लिखा है इसको, लंबवत। ये कौन है, वलय की अक्ष, ये वलय का केंद्र। एक गोला है बेटा, उस गोले का जो केंद्र है वो भी इस अक्ष पर है। मेरी बात समझ गए ना, एक वलय लिए जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, एक गोला लिया है उसकी भी त्रिज्या कैपिटल आर है, दोनों समान आवेश, दोनों पर समान आवेश है, समान त्रिज्या के हैं, और गोले का केंद्र कहां है, वलय की अक्ष पर, आवेश क्यू है मान लिया इन पर, आवेश कितना है क्यू। प्रश्न यह है कि दोनों के बीच बल कितना लगेगा, प्रश्न क्या है, जबकि ये जो दूरी है ये दी है आर रूट तीन, मतलब वलय के केंद्र और गोले के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, आर रूट तीन। अभी हमने ये पढ़ा कि वलय की अक्ष पर, है ना, वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बताइए, डायरेक्ट लिख सकते हैं अब हम, क्योंकि पढ़ चुके हैं, के क्यू एक्स अपोन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर घात। यहां एक्स की वैल्यू कितनी है बता दीजिए, आर रूट तीन हो गई, तो ये कितना हो गया, के क्यू आर रूट थ्री अपोन आर स्केयर प्लस, शाबाश, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, एक्स का मान हम आर रूट तीन लिखेंगे तो कितना लिख दूंगा, तीन आर स्केयर, डायरेक्ट लिख सकता हूं, और घात कितनी, तीन बटा दो, ऐसा लिख सकते हैं हम, समझ गए ना। अब इसको हल करना है स्टूडेंट, हमें इसको हल करेंगे तो नीचे आर स्केयर प्लस तीन आर स्केयर कितने हो जाएंगे, चार आर स्केयर की घात कितनी हो जाएगी, चार आर स्केयर की घात कितनी हो जाएगी, तीन बटा दो, वही है घात, तो वही चलेगी अभी तक, नहीं समझे क्या। तो कितना हो गया ये देखो, के क्यू आर रूट तीन, ये हो गया फोर आर स्केयर, और घात कितनी, समझ गए।
कुछ कट नहीं रहा अभी तक स्टूडेंट, है ना। तो इसको हल करना पड़ेगा, के क्यू आर रूट तीन। देखिए 4 की घात 3 बटा 2, 4 की घात 3 बटा 2 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 4 गुणा 4 की घात 1 बटा 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। 4 की घात 1 बटा 2 यानी 2 और ये 4 कितना हो गया फिर 8। क्लियर है ना ये चीज? यानी 4 की घात 3 बटा 2 का जो मान है वो आएगा 8, और आर स्क्वायर की घात 3 बटा 2 करेंगे तो आर की घात 3। क्लियर है यहां तक? अब ये हमने क्या निकाला है, ये विद्युत क्षेत्र निकाला है हमने, है ना। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो गया, कुछ कटेगा क्या? देखो के क्यू रूट 3 बटा में 8, ये हमने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अपना प्रश्न क्या था, दोनों के मध्य बल ज्ञात करो, और बल और विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन है, एफ बराबर ई क्यू या क्यू ई, है ना, क्यू ई। एफ बराबर क्यू और ई का मान के क्यू रूट 3/8r2। ये लीजिए दोनों के बीच बल आ गया के क्यू स्क्वायर रूट 3/8। ये मतलब हमने जो कल पढ़ा था ना उसके अनुप्रयोग है बेटा। रेखिक आवेश घनत्व को हमने यूज करते हुए क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र निकाला, इन दोनों के बीच बल निकाला, ठीक है। कल हम जो पढ़ेंगे वो होगा इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट, गाउस का नियम, क्योंकि प्रश्न जो आता है वो मोस्टली गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग के आधार पर आता है। पर इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये दोनों एग्जाम्पल है अपनी बुक में, ये दोनों क्या है अपनी बुक में एग्जाम्पल है। जो पहला हमने एग्जाम्पल किया वो इस साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।